हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम तोरी की बहुत यम्मी सी सब्जी बनाने वाले हैं जो बिना प्याज लहसुन के बनेगी। जो लोग नहीं खाते हैं उनके लिए ये रेसिपी है। ये देखिए, हमने आधा किलो तोरी को अच्छे से छील कर कट कर लिया है। तोरी बिल्कुल फ्रेश है। जितनी फ्रेश सब्जी होगी उतनी ही खाने में टेस्टी बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पैन गरम होना रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई। राई तड़क गई है, जीरा तड़क गया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसमें आधा चम्मच हम डालेंगे हल्दी, कश्मीरी रेड चिली आधा चम्मच ये पाउडर डालेंगे, आधा से एक चम्मच आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा सूखा धनिया पाउडर 1 चम्मच, और इसको करेंगे हम मिक्स। गैस को बिल्कुल कम रखेंगे ताकि जो मसाले हैं ना वो जले ना। जैसे ही मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे भुनने की, तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि जले नहीं मसाले। और इसमें डाल देंगे तोरी, इसको भी अच्छे से चलाएंगे। देखिए कितनी फ्रेश कटी हुई तोरी है ये, और बहुत आसान बन जाती है, बहुत जल्दी से बन जाती है। तो जब कभी आपको कोई ऐसा आता है जिसको प्याज और लहसुन नहीं खाना है, तो उसके लिए आप ये झटपट से बनने वाली टेस्टी सी तोरी बना सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे हम और इसको ढककर पकाएंगे जब तक तोरी थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। लग रही है ना यम्मी? ढकने से पहले मैं इसमें थोड़ा नमक डाल दूंगी। नमक आप स्वाद के अनुसार यूज कीजिए। और अब इसको कवर करके पकाते हैं। और ये देखिए, मेरे पास ना सॉल्टेड पीनट का ये पैकेट पड़ा था, तो मैंने इसका ये करीब 38 ग्राम इसके ऊपर लिखा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, 38 ग्राम के करीब है ये वेट में। तो इसको मैंने डाला है मिक्सी में और ग्राइंड कर लिया है कुछ इस तरह से। तो थोड़ा सा नमक इसमें भी है, नमक सब्जी में डालते हुए ध्यान रखिएगा। अब हम इसको डालते हैं सब्जी में। कवर हटा के चेक कर लेते हैं हम। हमने इसको एक आध बार बीच में चलाया है। देखिए सब्जी जो है वो सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। तोरियां देखिए सॉफ्ट होने लगी है, हल्का सा कट गया है। तो इस स्टेज में हम ना इसमें ये मूंगफली का जो पाउडर हमने बनाया है, रोस्टेड मूंगफली मेरे पास थी, आप कोई भी मूंगफली यूज कर सकते हैं। छिलके वाली मूंगफली को रोस्ट करके उसका छिलका निकाल के उसका पाउडर बना के यूज कर सकते हैं। तो मैं ये जो 10 रुपीज वाला पैकेट है जो मैंने आपको दिखाया, ये मैं पूरा ही डाल रही हूँ। और इसको करते हैं मिक्स। इसी समय में 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, ग्रेट किया हुआ बारीक, वो भी डालूंगी। फ्रेश ग्रेटेड अदरक की अलग ही खुशबू आती है। 1 हरी मिर्च काटकर हम डाल देंगे इसमें और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। थोड़ा सा हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे और दोबारा से इसको ढककर पकाएंगे 3 से 4 मिनट। तोरी भी सॉफ्ट हो जाए और ये मसाले भी अच्छे से इसमें कोट हो जाए। ये देखिए हमने पानी डाल दिया है और अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही बिना खड़े मसाले के बहुत ही साधारण सी सब्जी है, आसानी से बन जाती है। और कुछ सोचना चाहिए ना, प्याज नहीं खाते जो लहसुन नहीं खाते उनके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। तो इसलिए हमने ये बनाई है और बहुत अच्छी इसके अंदर खुशबू आने वाली है, बहुत यम्मी। तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो आइए चेक करते हैं। और ये देखिए हमारी ये यम्मी सी सब्जी
कितनी बढ़िया लग रही है। और अब ये पूरी तरह से ना गल गई है। अब हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला 2 पिंच के करीब, क्योंकि मसाला मेरा जो है वो स्ट्रांग है। किचन किंग 1/2 टीस्पून, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा देसी घी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून, ऑप्शनल है 1/4 से 1/2 टीस्पून। और अब हम डालेंगे धनिया कटा हुआ, इसको करते हैं मिक्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत ही यम्मी ये तोरी बनकर तैयार है। कलर आपको थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है क्योंकि ऑयल अगर और ज्यादा डालेंगे तभी ये ऑयल जो है ऊपर से छोड़ेगा। तो आप कभी कभी देखते हैं ना कि ऑयल छूटता है, तो उसमें वो कम ऑयल नहीं डालते हैं, ऑयल काफी मात्रा में डाला होता है। आप देख रहे हैं मैं कब से इसको भून रही हूं, बट इतना ज्यादा ऑयल आपको ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। कोई बात नहीं, हम ऊपर से गार्निश करेंगे अच्छे से। ये देखिए धनिया पत्ती से हमने गार्निश कर दिया है, और अब हम थोड़ा सा देसी घी में ये रेड चिली डाल के ऊपर से, ताकि सब्जी जो है वो हमारी देखने में भी टेम्पटिंग लगे, खाने में तो लाजवाब है ही। आप ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि आजकल बरसात में ना सब्जियां कोई खास आ नहीं रही हैं, और हरी सब्जी खाने का भी मन नहीं करता है, बट हमको खाना है। और अदरक और ये बाद में डालने से ना, अदरक एक तो नीचे चिपकता नहीं है और खुशबू भी बहुत अच्छी देता है। अगर आप बाद में अदरक डालते हैं ना तो खुशबू उसकी बरकरार रहती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये यमी सी तोरी की बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनकर तैयार है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।